बरसात के पूर्व ही निगम क्षेत्र के छोटे बड़े नाले नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर निगम भिलाई द्वारा की जा रही थी, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे स्वयं स्थलों पर मौजूद रहकर इस व्यवस्था को दुरुस्त करवा रहे हैं। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के सभी छोटे बड़े नाले नालियों की सफाई बरसात पूर्व की जानी थी, जो कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे स्वयं कर रहे हैं। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे अल सुबह मौके पर पहुंचकर अपनी निगरानी में छोटे बड़े नालों की सफाई उचित संसाधनों के साथ करवा रहे हैं। शहर भर के छोटे नालियों के ऊपर बने स्लैब के नीचे भी अच्छी तरह से मलबा निकाला जा रहा है, जिससे बरसात के दिनों में शहर भर की नालियों में पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और शहर के किसी भी हिस्से में जल भराव की स्थिति ना बने। देखिए, इस बार माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो निगम प्रशासन है, वो दो महीने पूर्व से बारिश को लेकर अलर्ट है और जितने भी जो ऐसे बड़े नाले हैं जिसमें जल भराव उसके आसपास के क्षेत्रों को देखते हुए इसका चूंकि सर्वे हुआ था कहाँ पे जल भराव की स्थितियाँ बन सकती हैं, उन सभी स्थलों के आसपास के जितने नाले हैं नालियाँ हैं उनको प्रारंभिक तौर पर सफाई करने का काम किया गया है। और शहर के जहाँ भी ऐसे बड़े नाले हैं और छोटी नालियाँ हैं, छोटी नालियाँ मेलोर पद्धति से किया जा रहा है, बड़े नाले जो हैं उनको चेन माउंटेन जेसीबी के माध्यम से मशीनें हाईटेक मशीन पद्धति सक्शन कम जेटिंग मशीन हो गया, इनके माध्यम से क्लियर जो है किया गया है। और ये जो काम है अभी लगभग हमारा अंतिम पड़ाव हो चुका है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बड़े नाले नहीं है जिनकी सफाई नहीं की गई है, सारे नालियाँ और नाले जो हैं वो सफाई कर चुके हैं। जो जाम नाले हैं उनको सफाई करने का अभियान अभी फिर भी चल रहा है, जहाँ जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ आ रही थी कचरा कुछ जाम हो गया है और कुछ फंस रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय स्वयं जो है बैकुंठ धाम क्षेत्र में पहुँचे थे, उन्होंने स्वयं खड़े होकर के नालियाँ सफाई करवाई और एजेंसी को भी वहाँ तलब किया, उनको निर्देश दिए कि जो छोटे छोटे नाली की कनेक्टिविटी है उसको आप बड़े नालों में आप डालें, ताकि जो जल का प्रवाह है डायरेक्टली बड़े नालों में चले जाए। दूसरा, जो लंबे अरसे से जो अतिक्रमण की बातें जो हैं, जो स्लेब बना करके नालियों के ऊपर कर रहे हैं, उन अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदय दिए हैं। इसके साथ ही जुर्माना वसूलने वाले जो मलबा है, मलबा जो सड़क किनारे रखते हैं जिससे सड़क बाधा भी होता है और वो नाली को नाली में गिर कर जाम करता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी जुर्माना लगाने के निर्देश जो कमिश्नर साहब ने दिए हैं। इस वर्ष बरसात में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए निगम भिलाई ने अपनी पूरी तैयारियां बरसात पूर्व कर ली है, जिसके तहत निगम क्षेत्र के छोटे बड़े नाले नालियों की सफाई के साथ नाले नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण को भी निगम द्वारा ध्वस्त कर नालियों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है, जिससे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।